मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में, आस्था मार्केट मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको ट्रस्ट FI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। दरभंगा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने फिर मचाया तांडव, बारातियों के साथ की जमकर मारपीट। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कादिराबाद में पॉलिटेक्निक के लगभग 50 की संख्या में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। बारात जा रही बस में घुसकर बारातियों के साथ मारपीट और बस में भी तोड़फोड़ की। बस के शीशे भी इन्होंने तोड़ डाले। छात्रों ने स्थानीय लोगों से भी मारपीट की। इस दौरान कई आम लोग भी घायल हो गए। फिलहाल मारपीट का कारण स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि उस बस से पॉलिटेक्निक के एक छात्र को हल्का सा धक्का लग गया था, जिसके बाद वह छात्र हॉस्टल गया और वहां से हाथों में लाठी डंडे लेकर लगभग 50 से ऊपर छात्र कादिराबाद चौक पहुंच गए, जहां बारातियों को पीटने लगे और बस में तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही थाना सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, लेकिन तब तक छात्र फरार हो चुके थे। अब पुलिस स्थानीय लोगों से बातचीत कर मामले को शांत करने में लगी है। वहीं घायल व्यक्ति का कहना है कि पॉलिटेक्निक के छात्रों ने बस में सवार बारातियों को पीटा, बचाने गए तो रॉड से सर पर हमला कर दिया। विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद कहते हैं कि घटना की सूचना मिलते ही हम लोग मौके पर पहुंचे थे। सभी को समझा बुझाकर मामले को शांत कर दिया गया है और मामले के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है, अगर आवेदन मिला तो कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पर? अरे घर से निकले थे तो जा रहे थे काम करने के लिए, इसी बीच पॉलिटेक्निक और बाराती वाला बस को रोक के पॉलिटेक्निक वाला मार रहा था। किस लिए मार रहा था, क्या हुआ था? क्या पता, जानकारी विशेष नहीं है। तो हम दोनों बीच बचाव करने के लिए गए, बस वाला को छोड़ा रहे थे पॉलिटेक्निक वालों को भी। इसी बीच में पॉलिटेक्निक से 50-60 लड़का आया, पीछे से रॉड से मार दिया। हम वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ लोगों के द्वारा मुझे हॉस्पिटल में लाया गया। बस बस बाराती के लिए निकली हुई थी कैदराबाद से। अच्छा, तो बाराती वाले को भी मार लगा था? हाँ, बाराती वाले के बस के अंदर घुस के बाराती वाला को मार रहा था पॉलिटेक्निक वाला लड़का। अच्छा, तो हम सामाजिक स्थल पर गए थे कि बीच बचाव करने के लिए, उसी में आपको ही मार लगा? उसी में पीछे से आगे पॉलिटेक्निक वाला लड़का मार बैठा। दरभंगा जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा। विधि व्यवस्था संधारण हेतु सदर SDO ने लगाया परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर सुश्री चंद्रिमा अत्री द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा 17 दिसंबर को दो पाली में, यथा प्रथम पाली सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक और द्वितीय पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे तक दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित 23 परीक्षा केंद्र, यथा ML अकेडमी लहेरिया सराय, BKD बालक उच्च विद्यालय दरभंगा, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, CM साइंस कॉलेज, CM कॉलेज, +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरिया सराय, महारानी कल्याणी कॉलेज लहेरिया सराय, MLSM कॉलेज दरभंगा, KS कॉलेज लहेरिया सराय, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा, +2 देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा, MAR महिला विद्यालय लालबाग, HB सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय BB पाकर, MRM कॉलेज लालबाग, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कबीरचक, +2 RNM राजकीय बालिका विद्यालय लहेरिया सराय, राज उच्च विद्यालय दरभंगा, MKP विद्यापति उच्च विद्यालय लहेरिया सराय, कर्पूरी ठाकुर राजकीय बालक उच्च विद्यालय लहेरिया सराय BMP 13 के नजदीक, +2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय कादिराबाद, +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर, +2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय दरभंगा, पूर्वांचल उच्च विद्यालय राय साहेब पोखर लहेरिया सराय दरभंगा में आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं सफलतापूर्वक परीक्षा
संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का निर्देश दिया गया है। उक्त के आलोक में परीक्षा केंद्र पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल दंडाधिकारी दरभंगा चंद्रिमा अत्री द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973-2 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार में शिक्षक भर्ती हेतु दरभंगा जिले में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा केंद्र के अंदर जाने वाले सभी परीक्षार्थियों का कई जगहों पर चेकिंग और उनको सर्च किया गया। बीपीएससी की परीक्षा के लिए दिन के 12 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक का परीक्षा समय निर्धारित था। बीपीएससी परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर जिला स्कूल दरभंगा की है, जहां परीक्षा देकर बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थियों से हमने बात भी की। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। मैडम है जहां, लेडीज फैशन है वहां। महिलाओं के लिए दरभंगा शहर में खुल गया पहला एक्सक्लूसिव मैडम लेडीज वेडिंग मॉल दरभंगा टावर पर ब्रह्म स्थान के सामने। इसमें महिलाओं के लिए सभी प्रकार की साड़ियाँ, सूट, लहंगा, सलवार सूट, गाउन, क्रॉप टॉप समेत बहुत कुछ। हमारा प्रयास महिलाओं को सही दाम में लेटेस्ट फैशन उपलब्ध करवाना। वर्षों से स्थापित ब्रांड पुरुषम की नई पेशकश। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब MRM स्कूल रोड राजकुमारगंज दरभंगा में। शूटिंग, शर्टिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय राजकुमारगंज दरभंगा में। ग्लोरियस 39 ईयर्स ऑफ सर्विस,
बिल्ड योर चाइल्ड्स फ्यूचर हियर, डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल, डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, सिक्योर्ड एंड डिसिप्लिन एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, हरी अप, एडमिशन ओपन एंड एडमिशन आर फ्री। जीविका की जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी की अगुवाई में दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड के पंचोप पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा में डॉक्टर ऋचा गार्गी, प्रबंधक संतोष चौधरी और बीपीएम निशांत कुमार ने हिस्सा लेकर जीविका दीदियों का मनोबल बढ़ाया और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समुचित जानकारी और लाभ लेने को प्रेरित किया। हनुमान नगर प्रखंड के जीविका दीदियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उक्त अवसर पर डीपीएम जीविका ने जीविका परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिले, इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए विभिन्न योजनाओं के लाभुकों से मेरी जुबानी मेरी कहानी कार्यक्रम के तहत फीडबैक भी लिया जा रहा है, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो पाएगा। राशि वसूली स्थगित कराने के लिए 31 दिसंबर तक जमा कराएं हलफनामा, लाभार्थियों को 6 महीने का और मिल जाएगी, लाभार्थियों को 6 महीने की और मिल जाएगी मोहलत। जिला प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार ने बताया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण लेकर शिक्षा पूरी करने वाले लाभार्थी जो कि अभी ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे लाभार्थी को बेरोजगार होने का शपथ पत्र 15 से 31 दिसंबर तक जमा कराना है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी अपना शपथ पत्र DRCC के बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड कार्यालय दरभंगा में जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शपथ पत्र नहीं देने वाले छात्रों पर विभाग लोन रिकवरी की कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि पहले नोटिस भेजा जाएगा, इसके बावजूद यदि लोन वापस नहीं किया तो सर्टिफिकेट केस होगा। उल्लेखनीय है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्र छात्राओं को 4,00,000 रुपये ऋण आगे की पढ़ाई करने के लिए दी जाती है। छात्रों के लिए ब्याज दर 4%, जबकि छात्राएं और दिव्यांग छात्रों को यह ऋण 1% साधारण ब्याज की दर पर दिया जाता है। जिला प्रबंधक DRCC ने बताया कि ऋण लेकर पढ़ाई पूरी करने वाले वैसे लाभार्थी जिन्हें रोजगार या नौकरी नहीं मिली है, वे अपना शपथ पत्र 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक MNSSBY लॉगिन से अपलोड कर शपथ पत्र की मूल प्रति DRCC के बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड कार्यालय दरभंगा में जमा कराना सुनिश्चित करें। इससे लाभार्थी को अग्रिम 6 महीने की मोहलत मिल जाएगी।